टायरानोसोरिड परिवार को सभी डायनासोर के परिवार का सबसे शक्तिशाली परिवार माना जाता है, जिसमें से टीरेक्स का नाम न जाने आपने कई बार सुना ही होगा। और उसी परिवार का एक सदस्य या यूं कह ले टीरेक्स का छोटा भाई टर्बोसोरस की ताकत से आप भली भांति परिचित होंगे। लेकिन टायरानोसोरिड के परिवार का एक ऐसा भी सदस्य है जिसे शायद बहुत कम ही लोग जानते होंगे, और इसका कारण यह है कि इस अज्ञात डायनासोर के बारे में भी इंटरनेट पर सीमित जानकारियां मौजूद हैं। मगर यकीन मानिए, यह कम लोकप्रिय डायनासोर की शक्ति हालांकि टीरेक्स से तो थोड़ी कम थी, पर बाकी डायनासोर के लिए ये मौत का दूसरा रूप थे। हम बात कर रहे हैं जुशेंग टायरानस की, जो टायरानोसोरिड की सब फैमिली टायरानोसोरिन के सदस्यों में से एक था, और इनमें भी हर वो खूबियां मौजूद थी जो कि एक टीरेक्स के पास खूबियां पाई जाती थी। मगर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह एक ही परिवार के दो सदस्य यानी टर्बोसोरस बतार और जुशेंग टायरानस मैग्नस के बीच महा मुकाबला हो जाए, किस डायनासोर की होगी जीत। तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहें। इंट्रोडक्शन। जुशेंग टायरानस मैग्नस के नाम का मतलब होता है जुशेंग क्षेत्र का महान तानाशाह, जिसे पहली बार डेविड होने और उसकी टीम ने मिलकर डिस्क्राइब किया। इस डायनासोर के कंकालों को पहली बार साल 2011 में चीन के सैंगडोंग प्रोविंस में ढूंढा गया, पर इस डायनासोर के पूरे कंकाल नहीं मिलने के कारण इस जीव की सीमित जानकारियां ही हमारे पास मौजूद है, जिनमें से इसके कुछ दांतों के टुकड़े को देखकर लगता है कि ये डायनासोर भी बिल्कुल टीरेक्स के समान खूंखार और जानलेवा हुआ करते थे। वैज्ञानिकों द्वारा जब इसके अवशेषों की कार्बन डेटिंग की सहायता से उम्र पता की गई, तो सभी को ये पता चल पाया कि इस तानाशाह डायनासोर का राज 83 मिलियन सालों से 72 मिलियन सालों के बीच चीन के कुछ हिस्सों में हुआ करता था, और इसकी शारीरिक बनावट का अनुमान लगाकर वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि इसकी बनावट एक एपेक्स प्रेडेटर के रूप में हुई थी। इसलिए ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि इसके खौफ से आसपास के जीव ठीक उसी तरह कांपा करते थे जैसी हालत उत्तरी अमेरिका में 65 मिलियन सालों पहले हुआ करती थी। वहीं बात अगर हो रही हो टर्बोसोरस बतार की, तो इसके नाम का मतलब अलार्मिंग लिजर्ड या खतरनाक छिपकली होता है, और ये खतरनाक थे भी। टायरानोसोरिड के इस सदस्य की उत्पत्ति धरती पर 100 मिलियन सालों पहले से लेकर 66 मिलियन सालों के बीच हुई थी, और इस स्पेसिमेन की होलोटाइप साल 1955 में तैयार की गई थी, क्योंकि साल 1946 को जब इसके हड्डियों को मंगोलिया के गोबी डेजर्ट से ढूंढा गया, तो लोगों के बीच ये उत्सुकता हुई कि ये दिखते कैसे थे, जिस कारण पहले इसके होलोटाइप को बनाया गया, फिर बाद में टेक्नोलॉजी की सहायता से इसे एक 3D रूप दे दिया गया, और इसकी बनावट को देखकर भी ऐसा लगता है कि ये मंगोलिया क्षेत्र के गेंगिस खान हुआ करते थे, यानी सबसे शक्तिशाली डायनासोर। साइज एंड फिजिक। अगर हम दोनों डायनासोर के आकार व शारीरिक बनावट की ओर एक नजर डालें, तो इससे पता चलता है कि जुशेंग टायरानस की लंबाई 10 से 12 मीटर या 33 से 39 फीट, ऊंचाई 4 मीटर या 13 फीट, और इसका वजन 5.5 टन तक हुआ करता था, यानी आप इसके आकार को एक बस के आकार जितना कंपेयर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर इसी का भाई यानी टर्बोसोरस भी 10 से 12 मीटर लंबा, 3.5 मीटर ऊंचा और 4 से 6 टन के बीच भारी हुआ करता था। यानी साइज एंड फिजिक की तुलना करने पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जुशेंग टायरानस ऊंचाई और वजन में टर्बोसोरस से थोड़ा आगे थे, लेकिन यह अंतर बिल्कुल नेग्लिजिबल यानी न के बराबर मानी जा सकती है। स्पीड एंड एजिलिटी। लेकिन जब बात स्पीड एंड एजिलिटी की करें, तो कुछ सोर्स हमें बताते हैं कि जुशेंग टायरानस की रफ्तार 22 से 30 मील प्रति घंटे की होती थी, या ये कहा जा सकता है कि ये एक घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखते थे, और इसके हिंड लिम्स की बनावट इस प्रकार थी कि जिसके सहारे ये तेज भागने के साथ साथ किसी छोटे जीव को कुचल कर मारने में भी सक्षम थे। वहीं दूसरी ओर टर्बोसोरस बतार की स्पीड 25 मील प्रति घंटे की, यानी ये एक घंटे में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे, और इसके पैरों में भी वो ताकत थी जिसके तले कई जीव कुचले जा सकते थे। यानी स्पीड एंड एजिलिटी को लेकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों टायरानोसोरिड के सदस्य टीरेक्स से ज्यादा फुर्तीले हुआ करते थे, और दोनों ही लगभग एक समान फुर्तीले हुआ करते थे। डाइट एंड बाइट फोर्स।
अगर दोनों डायनासोर्स की खाने की आदतों और बाइट फोर्स की बात करें तो एक जुसेंग टायरनस के मील में छोटे से लेकर बड़े सभी डायनासोर शामिल थे, जिनमें से जूनी सेराटॉप्स और स्टेराकोसोरस इसके मुख्य आहार में शामिल थे। वैसे तो इसके बाइट फोर्स की उतनी जानकारी लोगों को स्पष्ट रूप से नहीं है, पर अनुमान लगाया जाता है कि यह अपने शिकार पर 12,000 PSI की बाइट फोर्स से अपने शिकार को अलग भागों में बांट सकते थे। वहीं टर्बोसोरस बतार के मील में भी सभी डायनासोर शामिल थे, जिसमें से सोरोलोफस और टार्शिया इसके मुख्य आहार हुआ करते थे और ये अपने शिकार पर 8,000 से 10,000 PSI का दबाव बनाकर उसे मार डालते थे। यानी बाइट फोर्स की तुलना करने से पता चलता है कि जुसेंग टायरनस टर्बोसोरस बतार के मुकाबले काफी आगे हुआ करते थे। ड्यूरेबिलिटी। टायरानोसोरिड परिवार के सभी सदस्यों में ऐसा देखा जाता है कि इसके फोर लिम्स भले ही छोटे ही क्यों ना हो, मगर इसकी बाइट फोर्स और इसकी बल्कि बॉडी का कोई जवाब ही नहीं होता। इसलिए दोनों डायनासोर काफी बल्कि और मस्कुलर हुआ करते थे और इसकी खाल भी इतनी मजबूत होती थी जिसे भेद पाना काफी मुश्किल होता था। मगर जुसेंग टायरनस की गर्दन की मोटाई थोड़ी अधिक हुआ करती थी, जिससे हो सकता है कि लड़ाई में इसे थोड़ी बहुत फायदा जरूर पहुंचे, अन्यथा ड्यूरेबिलिटी में दोनों डायनासोर एक समान ही थे और दोनों की चमड़ी को सिर्फ ये दोनों डायनासोर ही भेदने की क्षमता रखते थे। लेकिन हो सकता है कि जुसेंग टायरनस की ज्यादा बाइट फोर्स टर्बो के लिए मुसीबत बन सकता है। इंटेलिजेंस। हालांकि हम डायनासोर को शिकार करते हुए तो नहीं देख सकते, पर इंटेलिजेंस का पता लगाने का पुराना तरीका है इसके स्कल का साइज और इसमें पाए जाने वाली ब्रेन कैविटी, और इस आधार पर ध्यान दिया जाए तो एक टर्बोसोरस की स्कल का साइज 4.3 फीट तक हुआ करता था, वहीं जीरेक्स या जुसेंग टायरनस के स्कल का आकार 4.4 फीट तक होता था। लेकिन स्कल के साइज से ही इंटेलिजेंस का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन स्कल साइज की तुलना कर हम पाते हैं कि दोनों लगभग बराबर ही इंटेलिजेंट थे। दोनों के पास प्लान बनाने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे की चाल को काफी आसानी से समझ सकेंगे। वर्डिक्ट। तो अगर किसी तरह जुसेंग टायरनस और टर्बोसोरस बतार की लड़ाई होती है तो मैग्नस की ऊंचाई, वजन और ज्यादा बाइट फोर्स इस बैटल में इसकी काफी सहायक होगी। वहीं टर्बोसोरस बतार मैग्नस के मुकाबले ज्यादा इवॉल्व हो चुका था क्योंकि इसने धरती पर ज्यादा समय तक राज किया। इसके अलावा दोनों की जो लॉकिंग मैकेनिज्म कमाल की थी, इसलिए जब कभी दोनों डायनासोर के बीच लड़ाई होती तो हो सकता है कि दोनों ही डायनासोर या तो लड़ाई नहीं करते, और अगर दोनों की लड़ाई होती तो दोनों की मौत तय होती, जिसमें से एक अगर पहले मरता तो दूसरा अपने शरीर में लगे जख्म से कुछ देर बाद मर ही जाता। मगर कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 51% उम्मीद मैग्नस के जीतने की होगी, वहीं 49% चांसेस टर्बो की भी जीतने की है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर लिखें।